तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ स्केचर्स बाउंडर इंस्टेड शू का ऑनेस्ट रिव्यू। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये है आपके शू का बॉक्स, ये ऐसा दिखता है, ये साइड से ऐसा, ये ऐसा। इसकी सारी डिटेलिंग सारी यहां पर दे, ये देखिए इसे अभी दे रही थी डिटेलिंग, इसको एक बार आप सामने से देख लीजिए। ये देखिए, इसमें सामने से इधर लिखा हुआ है एब्जॉर्ब इंपैक्ट काउंटर्स द मोस्ट फुट शेप्स परफोरेटेड डुअल लाइट फुटेड बेड इंक्रीजेस ब्रीदेबिलिटी। शू बहुत अच्छा है, ये पर्सनली मैंने यूज कर रखा है, बहुत अच्छा शूज है। ये देखिए, ये है शूज, इसका लेस अंदर कर देता हूँ मैं। ये देखिए क्या लुकिंग है भाई साहब इस शूज की, मस्त लुकिंग है। स्केचर्स का शूज है ये, बहुत अच्छा शूज है। ये देखिए इधर लिखा हुआ अल्ट्रा लाइट, ये लिखा हुआ यहाँ पे स्केचर्स की ब्रांडिंग दिखी है, इधर लगा रखी स्केचर्स की ब्रांडिंग। ये देखिए मशीन वॉशेबल लिखा हुआ है, इसका कलर ब्लू है, नेवी ब्लू कलर का है ये। अंदर से इसकी जो टंग है ऑरेंज है, यहाँ पे इसका शू का लिखा हुआ है। तो ये जो शूज है बहुत स्पेशल शूज है, बहुत लाइट वेयर शूज है। ज्यादातर जो स्केचर्स के जितने भी शूज आते हैं वो वॉकिंग के लिए होते हैं, मतलब जिनके वॉकिंग में दिक्कत होती है वो ज्यादातर ये स्केचर्स के शूज लेते हैं। काफी अच्छा शूज है मेरे हिसाब से, कंफर्ट वाइज तो बहुत अच्छा शूज है ये। अब आते हैं इसकी टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी मतलब जिस तरह किस चीज से बना हुआ है ये बताता हूँ मैं कि एयर कूल्ड इसकी टेक्नोलॉजी है, एयर कूल्ड टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इसमें जो कुशनिंग है वो तीन लेयर में कुशनिंग दे रखी है, एक इनर सोल की कुशनिंग है, एक मिड सोल की है और एक आउटर सोल की है। जो इनर सोल जो है वो आपको आपके जो फुट होगा आपका जो पंजा होगा उसको अच्छे से कुशन करेगा, मतलब आपको कंफर्ट अच्छा देगा। मिड सोल जो है, इसका जो मिड सोल है उसमें सबसे ज्यादा कुशनिंग दे रखी है, कुशनिंग आपके पैर को बिल्कुल पकड़ के रखेगा, ये इधर उधर कहीं नहीं जाने देगा। अब आते हैं इसका जो आउटर सोल है, उसमें ऐसा बता रखा है इन लोगों ने, जैसे स्केचर्स के इसकी में लिखा हुआ था कि हाईली फ्लेक्सिबल है, आपके मतलब मूवमेंट जो होगा आपका जो फुट का जो मूवमेंट है, आप या चाहे जॉगिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो या फिर रनिंग कर रहे हो, तो उस शूज के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें मूवमेंट कहीं भी आपका ऐसा नहीं होगा, कहीं भी आपका मूवमेंट रुक रहा है ऐसा कहीं भी नहीं होगा, मूवमेंट आपका बिल्कुल साफ अच्छे तरह से चलेगा, आपका पैर आगे पीछे आप कर सकते हैं बिल्कुल, आपको कभी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। इसका नीचे का ये देखिए आपको दिखाता हूं मैं, ये काफी काफी कंप्रेस हो रहा है, देखिए थोड़ा सी आप दबाएंगे तो बिल्कुल ही अच्छा दब जाएगा ये। अब ये शूज के काफी अच्छा शूज है, इसको आप जैसे अगर आपको ये वॉश करना है शूज तो सिर्फ आप ऐसे नहीं कि आप अपना जैसे डेली कपड़े धोते हैं उससे आप ला के धोते हैं, ऐसे नहीं है, मशीन वॉश है, मशीन वॉश में धुलेगा और काफ़ी अच्छा आपके जैसे डस्ट वस्ट हो गया अगर आपको इसको क्लीन करना है, अगर इसमें डस्ट लग सिर्फ डस्ट लगी है तो आप उसको ड्राई क्लॉथ जो होता है उससे आप साफ कर सकते हैं इसको। अब आते हैं इसके डिज़ाइन पे, ये देखिए इसका जो डिज़ाइन है ये आगे से राउंड टो का बना हुआ है, मतलब जैसे जिनका जो टो रहता है वो आगे से अगर नैरो है तो उनके लिए ज़्यादातर ये प्रेफरेबल शूज है। जैसे मेरा टो है तो मेरा टो आगे से क्या ब्रॉड है तो मेरा क्या ये मेरे से अच्छे से बैठता नहीं है, ये थोड़ा टाइट रहता है,
लेकिन हाँ जिनके लिए जिनका शूज जिनका जो टो है वो आगे से नैरो है तो ये उनके जो फुट होता है उसमें बहुत अच्छे से बैठ सकता है। ये बहुत अच्छा शूज़ है, बहुत पकड़ के रखेगा आपके पैर को। अब जैसे ये आपका ये जो है बाहर का जो ये आपको ये दिख रहा है ये मैश मैश कहलाता है। ये इंजीनियर इन्होंने बता रखा कि ये अपने आप वुमन मतलब बुन के बनाया गया है, ये पूरा बुना गया है। ये जितनी पूरी आपको दिख रहे ब्लू ब्लू ये पूरा बुन के बनाया गया है। अपर मैश जो है बहुत ब्रीदेबल है इसका और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी इसकी शूज़ की। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो ये शूज़ जो है ये लेस के साथ आता है, लेस का मतलब आपको आप अगर चाहो अगर आप उसको ढीला कर सकते हो, अगर आप उसको टाइट करना चाहते हो, अगर आपको जैसे लूज फील हो तो उसको आपको कस के बांध सकते हो। इसमें क्या है कि और बाकी शूज़ में यहाँ पर एक होल आता है, अगर आपको अगर पैर शूज़ में से निकल रहा है तो आप उसको उसमें डाल के कर सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आपका इनका कहना है कि आपका शूज़ आपका जो पैर है शूज़ में से निकलेगा ही नहीं, तो उन्होंने वो ऑप्शन रखा ही नहीं है इस चीज़ में। तो आपके लिए शू वॉकिंग के लिए बहुत अच्छे शूज़ है, ज़्यादातर इनके जो शूज़ होते हैं वॉकिंग के लिए ही होते हैं। फिर अगर अपन अगर आगे चलेंगे तो फिर अपन को मिलेगा एक बहुत जो प्यारी बात है जो मैं आपको अभी बताना चाह रहा था कि इसकी क्या डिटेलिंग बहुत अच्छी सी करी गई। डिटेलिंग का मतलब जैसे अगर कोई स्टिच करी गई है तो ऐसा नहीं कहीं से धागा निकल रहा हो, या फिर कोई भी अगर आपको जैसे ये रबर है तो रबर आपको कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल अच्छे से करी गई है। ये देखिए आप इसको कहीं भी आपको ऐसे नहीं देखेगा, मैं आपको पूरा शूज़ दिखा देता हूँ अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो। बिल्कुल बहुत अच्छी डिटेलिंग करी गई है इसकी, सॉलिड कलर है, बिल्कुल बहुत प्यारा लगता है। अगर आप इसको वेयर करके चलते हैं तो लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि क्या यार क्या शानदार शूज़ लेके आया है, क्या मस्त शूज़ है, बहुत अच्छे शूज़ है, बिल्कुल सॉलिड कलर से इसके। देखिए आप अगर इसमें बिल्कुल मस्त आपको इसमें मिलेगा इंटर वूमन वेंटिलेटिंग है इसकी। वेंटिलेशन मतलब कि जैसे स्वेट आ रहा है तो आपके स्वेट को बिल्कुल आने ही नहीं देगा। वेंटिलेशन मतलब एयर जो होगी इन आउट ऐसी होती रहेगी, तो आपके पैर में आपका फुट जो होगा बिल्कुल स्वेटी होगा ही नहीं बिल्कुल। इसकी जो टंग है बिल्कुल पैडेड टंग है, ये देखिए ये ऐसी टंग है इसकी, बिल्कुल शानदार टंग है। और कॉलर टंग बिल्कुल पैडेड है इसके। तो ये देखिए मैं इसका फुट वेयर मैंने इसका निकाल लिया है, ये मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। ये देखिए इसकी ब्रांडिंग भी इसमें कर रखी है उन्होंने, स्केचर्स एयर कूल्ड मेमोरी फोम। ये देखिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है इसका, बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, बहुत खूबसूरत दबरा आपको तो ऐसे पता चलेगा नहीं, लेकिन ये देखिए थिकनेस देखिए इसकी, काफ़ी अच्छा शूज़ है। इसकी जो वारंटी है वो 3 महीने की वारंटी आती है, 3 महीने की वारंटी इसकी है। तो अगर आप इसको लेना चाहें तो आप इसको मिंत्रा से खरीद सकते हैं, अगर आप इसको लेना चाहें तो स्केचर्स की वेबसाइट पर जाके ले सकते हैं। अगर आपको इन दोनों से नहीं लेना तो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं। मेरे को ये जो शूज़ पड़ा था मेरे को ये पड़ा था 4500 समथिंग का ऐसा कुछ पड़ा था, लेकिन अगर आप इसको सेल में लेंगे तो आपको मेरे ख्याल से 4000 या 3500 या 3000 तक का भी मिल सकता है आपको शूज़। तो मेरी तो ये राय है कि आप इस आपके वार्डरोब में ये शूज़ होना चाहिए, तो आप इसको शूज़ को लीजिए पहनिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू धन्यवाद। लेकिन जब आप ये शूज़ पहने अगर आप लें ये शूज़ तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसके कंफर्ट के बारे में बताइएगा, आपको कैसी लगी ये वीडियो इस बारे में बताइएगा, धन्यवाद। तो फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज, कीप हसल, वर्क हार्ड।